सबको सच बताकर आप अपने साथ साथ हम सबकी जिंदगी भी आसान बना दीजिए। क्या बात है, सच में सही में तो बहुत हिम्मत है। देखा कैसे अपने पति की पोल खोल के रख दी। तुम अपना मुंह बंद रखोगी प्लीज? देखो बेटा, ये सारी बातें तुम्हें और विराट को अपने कमरे में सुलझानी चाहिए थी। ऐसे सबके सामने लाकर इसका तमाशा नहीं बनाना बेटा। पति पत्नी के बीच की बात है, ये सब बाहर आए शोभा नहीं देता बेटा। तुम देख रही हो किसके सामने क्या क्या बोल रही हो। मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ आई। आई अरे इस वक्त ये क्यों? मैं जानती हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ वो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने इतने साल वो सहा जो है। सही, मेरी बात तो सुनना। नहीं आई, नहीं। आपने अपने अंदर के दर्द को अपने होठों तक नहीं आने दिया, लेकिन आई मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे आबा ने मुझे सिखाया है कि अगर इंसाफ मांगने से नहीं मिले तो उसके लिए लड़ना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और जो लोग आवाज नहीं उठाते ना आई, वो उस झूठ में भागीदार होते हैं। और मैं इस झूठ का भागीदार नहीं बनना चाहती। सही, अब तो बोलिए पाखी दीदी, अब तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैं सच बोल रही हूं या झूठ। आप मुझसे इतने सवाल करती रहती है और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। आप मुझ पर इतने इल्जाम लगाती हैं, मुझे कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन आज कटघरे में खड़ी होंगी आप। और आज सवाल मैं पूछूंगी और जवाब देंगी आप। मैं आपको चैलेंज करती हूं बाकी दीदी, अगर आप में हिम्मत हो तो मेरे सवालों का सिर्फ सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। सिर्फ हाँ या ना में। क्या हुआ, जवाब दीजिए बाकी दीदी, या मैं और बोलूं? मैं आज आपसे सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ ताकि आपको भी तो पता चले, ऐसे दूसरों से सवाल करते हैं, उन पे इल्जाम लगाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। विराट, तुम्हारी ये सो कॉल्ड बीवी मुझसे अजीबोगरीब सवाल पूछे जा रही है, क्या ये सही है? ये मेरे मुंह में जबरदस्ती शब्द डालकर मेरी इज्जत सबके सामने उछाल रही है, और तुम इसे चुप करने के बजाय चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हो। क्या हुआ बाकी दीदी, बुरा लग गया? इतनी सी बात बुरी लग गई? अभी तो मैंने सच बताना शुरू भी नहीं किया है। अगर मैंने पूरा सच बताना शुरू किया ना तो पूरा दिन तो क्या पूरी रात निकल जाएगी। अरे बस सही, बस बहुत हो गया। कल से मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो सुनने को ही तैयार नहीं हो कुछ भी। इससे किसी का सुनना समझना आता ही कहाँ है? अगर किसी की सुन लेगी तो बात शांति से खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन नहीं, इसे तो बस तमाशा खड़ा करना है। जब तक ये किसी की बेइज्जती नहीं कर देती, जब तक ये घर में किसी का दिन खराब नहीं कर देती, इसका खुद का दिन अच्छा कहां जाता है? वक्रलेखा, विराट, तुम कहां इसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो? तो ये तो बस तुम दोनों को उकसाना चाहती है। झगड़ा तमाशा जब तक नहीं कर लेती तब तक इसे शांति कहां मिलती है? बाबा सही, तुम ठीक हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? लो सुनो, तुम इसकी परवाह कर रहे हो लेकिन ये तुमसे भी बदतमीजी कर रही है। वाह। और विराट सर, आज आपको पूरे परिवार के सामने सच बोलने में इतनी शर्म क्यों आ रही है?
जब यही लोग मुझसे इतने मुश्किल सवाल पूछते थे, मुझ पर झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगाते थे, तब तो आप मेरा हौसला बढ़ाते थे ना। सही, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सबके सवालों का जवाब दो, तो आज आप दीजिए जवाब। चुप क्यों है, दीजिए ना जवाब। और ये दोहरा व्यवहार क्यों विराट सर? अगर मैं गलत हूँ, झूठ बोल रही हूँ, तो सबको बता दीजिए ना। बोलिए ना विराट सर, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारा एक भी सवाल जवाब देने लायक नहीं है। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। आधे अधूरे सच से कहानियां सबको सुनानी है, सुनाओ, लेकिन मुझे उसका हिस्सा मत बनाओ प्लीज। मैं कहानियां बना रही हूँ विराट सर। क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि आप मुझसे ये शादी सिर्फ आभा से किया वादा निभाने के लिए कर रहे हैं? और मैं आपसे या इस शादी से कोई उम्मीद ना रखूं? हाँ, हमारी शादी वाले दिन मैंने तुमसे ये बात कही थी। और क्या आपने ये इसलिए नहीं कहा था क्योंकि आप पहले ही किसी और को वादा कर चुके थे साथ निभाने का? और क्या वो कोई और पाखी दीदी नहीं थी? मेरा फर्ज तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने का है, इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना ही तुम मुझसे कोई ऐसी उम्मीद करोगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को दिए वादे से बंधा हुआ हूं। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो बोलिए विराट सर। पता है विराट सर, अगर अगर सच में इतना सा भी झूठ मिला देना तो वो सच सच नहीं रहता, लेकिन झूठ में हम झूठ खोलते जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये बोलने का हक नहीं बनता, मेरा आप पे कोई हक नहीं बनता, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो फिर आप सच बोल दीजिए ना। आप बोल दीजिए कि आप दोनों के बीच वो प्यार, वो भरोसा आज भी जिंदा है। आपको इनसे साथ निभाना है, अब निभाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विराट सर, अगर आपको लगता है कि आप इनसे साथ निभाने के साथ साथ मुझ पर भी हुक्म चलाएंगे, मुझ पर अधिकार जमाएंगे, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। ए जंगली मुलगी, अपनी जबान को लगाम लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई विराट और पत्रलेखा पर इतने घिनौने इल्जाम लगाते हुए परिवार के सामने इतनी बेहूदा बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मुझे शर्म? चल, मान लिया कि शादी से पहले विराट और पत्रलेखा के बीच कुछ था, तो तुझे उससे क्या? और नहीं तो क्या, तूने तो पहले से फैसला कर रखा है इस घर से, विराट की जिंदगी से तुझे चले जाना है। तो विराट ने किसी से भी कोई भी वादा किया हो उसे तुम्हारा क्या लेना देना? अरे तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? कमाल है काकू, मुझे नहीं पता था इस घर में सबके लिए एक नियम है और मेरे लिए अलग। मेरी हर हरकत का अब हिसाब मांगती है,
कि कहीं मैं आपके इस जवान खानदान के नाम पर कोई धब्बा नहीं लगा दूं। एक पल नहीं लगता आपको मुझसे सवाल करने में, और आज जब आपका बेटा और आपकी चहेती बहू सवालों के घेरे में खड़ी है तो उनकी गलतियों पर पर्दा डाल रही है। हाँ दूंगी मैं विराट और पत्रलेखा का साथ, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये दोनों कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। तू क्या चाहती है, मैं तेरी इन झूठी बातों पर विश्वास कर लूं? तुझे तो विराट के नाम और इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू इस शादी को शादी नहीं मानती। अरे वैनी, इसके लिए तो ये सब एक मजाक, एक समझौता है ना। और अगर ऐसा है तो विराट ने क्या किया क्या नहीं किया इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे वैनी, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, बस कर दो ना, बात को खत्म कर दो ना यहाँ पे। अश्विनी तू मुझे क्यों चुप करा रही है? अपने इस लाडली बहू को चुप करा, सुना नहीं तूने कैसे ये पत्रलेखा को बदनाम करने पर तुली हुई है? और तू क्या साबित करना चाहती है कि पत्रलेखा का चरित्र खराब है? जितनी मर्जी है तू कोशिश कर ले, लेकिन हम तेरी बकवास पर विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि हम पत्रलेखा को अच्छे से जानते हैं। वो एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की है, इसे लोगों से बात करने की तमीज, बड़ों की इज्जत करना सब आता है। तेरी तरह नहीं है ये, जो हमेशा सबसे झगड़ती रहती है, बड़ों से जुबान लड़ाती रहती है। ए लड़की, तेरी ये चालबाजी है ना, इस घर में नहीं चलेगी, किसी और के लिए संभाल कर रख। सब लोग जानते सही कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, नफरत करती हो तुम मुझसे, और तुम्हारे इस झूठ पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। तो फिर ये सब तमाशा करके तुम क्या हासिल करना चाहती हो? मैं तो आपकी मदद कर रही हूं बाकी दीदी, वो हासिल करने में जो आप हासिल करना चाहती हैं। अगर विराट सर आज सबके सामने सच स्वीकार कर ले तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। फिर आप आराम से वो हासिल कर लेना जो आप करना चाहती हैं। मैं आपके और आपकी मंजिल के बीच में नहीं खड़ी रहूंगी। सही भाभी, क्या आप सच में घर छोड़कर चली जाएंगी? करिश्मा, तुम भी किसकी बातों पर यकीन कर रही हो? ये लड़की तो जब से इस घर में आई है तब से बोल रही है मैं घर छोड़ के जाऊंगी, मैं घर छोड़ के अभी चली जाऊंगी। अभी तक गई है क्या? अरे इसको सिर्फ अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। सही बोल रही है सोनाली, इसके दिमाग की तरह इसकी बातें भी खोखली है, छोटा चना बजे खाना, खाली बर्तन की तरह बस ये आवाज करती रहती है। ये नहीं घर छोड़ के जाने वाली, और अगर इस बार वो गई भी ना तो इस बार जैसा बर्ताव इसने विराट के साथ किया है विराट भी इसे वापस लाने की कोशिश नहीं करेगा। सही, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये घर छोड़ के जाने की बातें मत करो ना। तुम और विराट पति पत्नी हो, बस हम लोग सब चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों के बीच में जो भी हो सब अच्छा हो, तुम दोनों हंसी खुशी रहे, यही तो हम लोग सब चाहते हैं ना। सही नहीं आई, सब लोग ये नहीं चाहते। आप हमेशा बाकी दीदी से पूछती रहती थी ना कि उन्हें मुझसे क्या परेशानी है, क्या परेशानी है, और उनके पास कभी कोई जवाब नहीं होता था। एक्चुअली बाकी दीदी को मुझसे जलने की या मुझसे झगड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। अगर ये और विराट सर सबके सामने सच बोल देते, अगर बाकी दीदी और विराट सर सबके सामने अपने बेनाम रिश्ते को नाम देने का सोच लेते तो ये सब कभी होता ही नहीं। बस बहुत हो गया, वाहियात कहानियों की दुनिया से बाहर निकल, ये तुम्हारा वो 2% का गांव नहीं है।
सवान निवास है ये। इसकी नींव मिट्टी और पत्थर से नहीं, मर्यादा, संस्कार और उसूलों पर टिकी है। इसलिए ये बकवास बंद कर फौरन। और एक बात कान खोलकर सुन ले, पत्रलेखा हमारे सम्राट की बीवी है और हम सबको यकीन है एक न एक दिन हमारा सम्राट जरूर वापस लौटेगा। इसलिए हम सबकी भावनाओं के साथ खेलने का या उन्हें ठेस पहुंचाने का सोचना भी मत। सुन लिया ना तूने नीनाद ने क्या कहा? तू पत्रलेखा के दुख का मजाक उड़ाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। ये तो कब से अपना दुख छुपाए हुए सब्र रखे हुए हैं कि एक दिन इसका पति लौट कर आएगा। इसे तो पत्नी की जिम्मेदारी निभाने का मौका तक नहीं मिला, फिर भी इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही है एक बहू की तरह, और तू इस पर इल्जाम लगा रही है। तूने तो जब से इस घर में पाव रखे हैं तब से सबके लिए बस तकलीफें ही खड़ी की हैं। आज भी अगर एक चुपचाप तेरी बकवास सुन रही है तो सिर्फ इस घर और परिवार का मान रखने के लिए। बहनी, वैसे तो मुझे इस लड़की से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आज इसकी बातें सुनकर सच में मेरा सर शर्म से झुक गया। अतीत के किसी पन्ने पर अपनी मन की बनाई कालिक पोत के पता नहीं हम सबको क्या दिखाना चाहती है। भगवान जाने कितनी घटिया कितनी घिनौनी सोच है इस लड़की की। आप लोगों को मेरी सोच घटिया और घिनौनी लग रही है, लेकिन जिस सच से आप लोग मुंह मोड़ रहे हैं ना, घटिया और घिनौना, वो सच है। जो लोग इस सच को छुपा रहे हैं क्या वो घटिया और घिनौने नहीं है? सही वहीनी, मैं बस इतना ही जानता हूं और सच्चाई यही है कि आप विराट दादा की पत्नी हैं और पत्रलेखा वहीनी सम्राट दादा की पत्नी, बस। एकदम सच कह रहा है मोहित, बस तुम और विराट पति पत्नी हो, यही सच आज सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी की बातों पे ध्यान मत देना। मोहित आई, आप दोनों का दिल बहुत साफ है, इसलिए आप दूसरे लोगों की चालबाजी नहीं समझ पाते। आप लोग बस उतना ही देखते हो जितना आपको दिखाया जाता है, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। तुम्हें कितनी अच्छे से पता है ना किसी भी भोले इंसान को अपनी बात में कैसे फंसाया जाता है, उनसे अपना काम कैसे निकाला जाता है। देवी ताई के साथ भी तुमने यही किया था ना, तुमने देवी ताई के भोलेपन का फायदा उठाकर उनके मन में हम सबके खिलाफ जहर भर दिया। यहाँ तक कि उनकी खुद की आई के खिलाफ भी तुमने इतनी नफरत भर दी उनके मन में कि वो अपने खुद की आई से भी दूर जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ तो बात है तुमने सही, वरना एक बच्चे को अपनी आई से दूर कराना ना आसान नहीं होता। और ये सब तुमने इतनी होशियारी इतनी सफाई के साथ किया ना कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, यहां तक कि बड़ी मम्मी को भी नहीं। उन्होंने तो खुद तुम्हारी तारीफ की उनको उनकी बेटी से मिलवाने के लिए, और तुम्हें लगा कि तुमने सबका दिल जीत लिया, लेकिन कई बार सफाई से चली गई चाल भी ना कहीं अपना रक्त छोड़ जाती है। ठीक उसी तरह तुम्हारी एक चाल भी सबके सामने आ गई। तुमने देवी ताई के मन में मेरे खिलाफ जो जहर भरा था उसका सबूत कल मुझे मिल गया है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।